पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद ने न्यू पेंशन स्कीम का विरोध किया। इसके लिए कर्मचारी संघ ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की, साथ ही निजीकरण का भी विरोध किया। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद के सभी कर्मचारी एक बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं और सभी ने एक ही स्वर में एनपीएस का विरोध करना शुरू किया। कर्मचारी परिषद का कहना है कि एनपीएस लागू हो जाने से उन्हें पेंशन का सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की भी मांग की, यही नहीं निजीकरण का विरोध किया। कर्मचारी परिषद ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और मांगे नहीं मानने पर जल्द ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया कि साहब देखिए एनपीएस को ओपीएस के बराबर करने के लिए, और आप हमारा जो लोन है हर एक जीएम कार्यालय पर रेल मंत्री को ज्ञापन देने का आज कार्य हो रहा है। आर्थिक तौर पे एनपीएस को एक पैसा नहीं, राष्ट्र की जिसको समझ है वो एनपीएस मौजूद उस समय की जो सरकार थी करने की व्यवस्था लेना पड़ा। पहले भी पेंशन नहीं, लेकिन कानून नहीं बनाया, पेंशन पार्लियामेंट ने लाई और कांग्रेस सरकारों ने मिल के कानून बना के सितम्बर 2014 में चले। कब बनाया? और अब वो गाना 2013 आ रहे हैं पीएमआरडी बीएमएस बीआरएमएस और हमारी पीएमआरडी बना है। वो जो एनपीएस है वो सरकारी क्षेत्र में उन्होंने एक्ट बना दिया के बराबर कभी भी खत्म किया जा सकता था। राष्ट्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, पर चूंकि भारत में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, केवल पेंशन सामाजिक सुरक्षा ड्राफ्ट सरकारी क्षेत्र में इसको पुराने पेंशन वो चाहती थी बराबर कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।